अब ट्रैफिक रुका हुआ टनल के अंदर ही। इस वक्त शाम के रात के अब 9 बज चुके हैं, 9:08 हो चुके हैं। और हम अटल टनल में फंस चुके हैं। कोई तो रेस्क्यू करने आओ भाई। ऐसा भी होता है यार। अभी आई डोंट नो, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ बता रहे हैं आगे। अभी जस्ट कंफर्मेशन में ले रहा हूँ, तभी कुछ कह पाऊंगा। अब यार देखो, साउथ पोर्टल में मतलब हालत ऐसी हो गई है कि भाई ये जितने टैंकर है डबल लाइन लगा के घुस गए हैं यार। इन लोगों पर नहीं क्या जल्दी लगी हुई है, समझना चाहिए यार। सब लाइन में लगे हैं और छोटी गाड़ी तो बीच में घुसते देखा, और टैंकर को पहली बार देख रहा हूँ कि बीच में घुस रहे हैं ये लोग। हद है। तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। तभी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं और इन्होंने एक्सीडेंट किया हुआ ट्रकों का आज। आज देखो इन्हीं टैंकर्स के द्वारा, ट्रकों के द्वारा ही एक्सीडेंट हुआ है और 4-5 गाड़ियों को इन्होंने हिट किया है, जिस कारण ये ट्रैफिक जाम है। और उसके बावजूद हालत ये है कि ये ट्रक द्वारा देखो बीच में घुस रहे हैं और फिर द्वारा कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट करेंगे ये। दे शुड अंडरस्टैंड यार, क्या बोलना इन लोगों को। हद अब यहाँ देखो पुलिस वाले अब दिखाई दे रहे हैं, जरा मुझे इनको बोलना पड़ेगा। बोलो। अरे इन टैंकरों को रोको, बीच में घुस रहे हैं ये लोग। जाइए आप भी जाइए। आज जो ज्यादा ट्रैफिक और ट्रकों का है और टैंकर्स का है, जितने भी ट्रक और टैंकर्स हैं कुछ तो काफी ओवर स्पीड भी चल रहे हैं, और जिसका खामियाजा आज जो साउथ पोर्टल के पास जो दुर्घटना घटी है वो भी है। और सबसे बड़ी जो खासियत है वो यही है कि जितने भी ओवरटेकर्स हैं या जो बीच में घुस रहे हैं उनको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। और ये जो बोटल नेक है पलचान में, वहाँ जाकर ये लोग जाम पैदा कर रहे हैं। और लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं साउथ पोर्टल से चले, अभी तक हम सोलंग और ये पलचान के पुल पर ही पहुँचे हैं। ऐसा कैसे चलेगा भाई लोगों। ट्रैफिक का जो इश्यू खड़ा कर रहे हैं वो डबल लाइन और जो बीच में घुसे जा रहे हैं उनके कारण है, जिसके ऊपर अब कंट्रोल तो उन्हीं को करना पड़ेगा। पुलिस भी क्या करेगी। जब मैंने उन्हें शिकायत की कि भाई ये ट्रकर्स देखो डबल लाइन लगाकर घुस रहे हैं, थोड़ा इनको कंट्रोल करो, जब पुलिस वाले का जवाब ये हो तो फिर भाई ट्रैफिक का क्या हाल होगा। और उसका एग्जांपल हमें दिख रहा है, इस वक्त हम जाम में फंसे हैं। अरे देखो भाई चले हैं, इनको जल्दी है, बाकी जो लाइनों में खड़े हैं वो बेवकूफ हैं। देखो भाई क्या करें, यूपी, एचआर, दिल्ली, चंडीगढ़ और हिमाचल, सब के सब अब किसी को कम कहना मुश्किल है। नाक में दम कर रखा है इन लोगों ने। साउथ पोर्टल से लेकर सोलंग पहुंचते इस वक्त 10:30 हुए और 9:30 लग गया। पलचान के बाद थोड़ा सा ट्रैफिक खुला है, देखते हैं ये अब चेन कंटिन्यू रहता है या नहीं रहता है, या कहीं जाके जाम फिर मिलता है।
के लगभग 11 बजने वाले हैं और ट्रैफिक है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब हमने यहाँ पर संत जी को फोन किया था कि कृपया करके रेस्टोरेंट थोड़ा खुला रखें ताकि हम कुछ खा सकें। अब उनके रेस्टोरेंट के पास हम पहुँचने वाले, लेकिन पहुँचते ही यहाँ ट्रैफिक जाम भी दिखने को मिल रहा है। अभी कितनी लंबी जाम है पता नहीं, अब साइड से जगह भी नहीं है कि हम निकल सकें रेस्टोरेंट तक। चलो ट्रैफिक तो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ ही रही है। रेस्टोरेंट की लाइटें जली हुई दिख रही हैं, खाना मिल जाएगा कल्पना जी, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं खा लेंगे बंदर नहीं जाए। तो नहीं नहीं है, खुली गाड़ियां तो है खड़ी, लोग भी हैं कुछ। चलो संत जी हमें स्टाफ को खाना ही खिला दे भाई। मैं बोल क्योंकि हमारे घर में तो मिलेगा नहीं, घर में अब कौन जाएगा, कौन बनाएगा, कौन खाएगा, उससे अच्छा है। और देखो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है, देखो बिल्कुल सामने रेस्टोरेंट यहाँ पर ये। और वहाँ पहुँचने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, तो आपके लेफ्ट साइड पे रेस्टोरेंट है और गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं है, है निकाल दो। खाना तो इनका संत का बहुत ही बढ़िया होता है, घर की तरह खाना। अरे जैसे मैंने मोड़ा ही चल पड़े भाई साहब, डेस्टिनेशन बन गया ही मेरा। चलो अब पार्किंग के लिए जगह ढूंढो, अपने काम में लगे रहो और अपनी उड़ान इतनी ऊंची रखो कि वो अपने आप ही गिर जाए, सोचिएगा जरूर।